हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है लीचिंग। लीचिंग बेसिकली केमिकल सेपरेशन मेथड है। लीचिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग ओर पार्टिकल और इम्प्योरिटीज के मिक्सचर को सेपरेट आउट कर पाते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि ओर पार्टिकल और इम्प्योरिटीज के मिक्सचर में केमिकल सब्सटेंस डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो ओर पार्टिकल होता है और जो केमिकल सब्सटेंस हमारा होता है, वो दोनों कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज बेचारा अलग रह जाता है। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहा गया है। इन दिस प्रोसेस सुटेबल केमिकल सॉल्वेंट इज यूज्ड। क्या होता है, सुटेबल केमिकल सॉल्वेंट इज यूज्ड इन विच ओर पार्टिकल आर सॉल्युबल। जिसके अंदर ओर पार्टिकल जो होते हैं भैया, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मतलब कि जो हमने क्या क्या है, ओर जो केमिकल सब्सटेंस डाला है उसके अंदर ओर पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बट इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल। इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। दीज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड। बाद में सॉल्युबल नहीं होते तो बाद में वो लोग क्या करते हैं, फिल्टर ऑफ कर लेते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लीचिंग ऑफ AgAu बाई CN-। CN- बेसिकली साइनाइड रिएजेंट है। CN- ये है जो हमारा साइनाइड रिएजेंट है। इसी रिएजेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे केमिकल सॉल्वेंट के नाम से। चलिए हम देखते हैं इसका लीचिंग कैसे करते हैं। हमारे पास एक मेटल M0 है, उसके अंदर CN- डाला गया है, HCO+O2 गिव। ये करते हैं तो क्या होता है, MCN2+OH- बनता है। AgAu बेसिकली ये हमारे पास दो एलिमेंट इसके लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर CN- एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होती है। ठीक है, और तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। जब ये कंपाउंड बन जाएगा, Ag हो सकता है, कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, AgCN2 या फिर AuCN2। ये कंपाउंड बन गया और हमारा इम्प्योरिटी से अलग हो गया। अब बाद में इसको सीएन से कोई प्रोसेस से लगा के इसको अलग कर लेंगे। बेसिकली हमारा क्या हो गया, इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट हो गया, और वही हम लोग इस प्रोसेस लीचिंग में जानते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ लिया गया है, Ag2S का एग्जाम्पल है। इसको हम लोग सिल्वर ग्लैंस बोलते हैं। सिल्वर ग्लैंस के अंदर में हमने केमिकल एजेंट मतलब कि केमिकल सॉल्वेंट ऐड किया है, उसका नाम है NaCN। NaCN को ऐड करने से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का नाम है NaAgCN2+ Na2S मिलता है। तो Na2S को हम लोग ऑक्सीडाइज करके इसको सेपरेट आउट करना इजी होता है, इसलिए इसको अलग ले लेते हैं। तो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 से Na2S बन जाता है। बेसिकली लीचिंग के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेटल होता है जिसे हमको और चाहिए होता है, उसको हम लोग सेपरेट आउट करने के लिए उसका रिएक्शन कराते हैं एक केमिकल सॉल्वेंट से। चलिए, आपको होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग देखेंगे। यदि चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका, और लाइक और शेयर भी कर दें। और आपको कैसा लगा वीडियो और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही। जय हिंद।